वेलकम बैक टू माई चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो अभी एक ब्लॉग एंड किए एंड फिर ये ब्लॉग स्टार्ट किए, वो ब्लॉग आज ही आ जाएगा बट ये वाला ब्लॉग कल आएगा संडे वाले दिन। तो अभी बहुत दिन बाद हेयर स्ट्रेट किए हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज कहीं पार्टी में जाना है तो सोचे थोड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मेरा हेयर कर्ली है जैसा कि आप लोग देखते होंगे और कर्ली के साथ साथ बहुत रफ हो गया है, तो इससे थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है बाल और थोड़ा अच्छा भी दिखता है, इसलिए कर लिए। फिलहाल अभी मेरा एक पार्सल आया है तो वो देख सकते हैं, पर्पल से कुछ मंगाए हैं सामान, क्योंकि जैसा कि बताए थे कि हम अपना केयर कर ही नहीं पाते हैं, स्किन केयर वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा केयर वाला चीज़ मंगाए हुए हैं, एक दो बस प्रोडक्ट है। अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे, तो कमेंट करिएगा अगर आपको देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट मंगाए हैं स्किन केयर के लिए। तो चलिए अभी जा रहे हैं, नेल पेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज़ होता है नेल पेंट हम भूलते हैं हमेशा, ऐसे ही कहीं भी चले जाते हैं। तो अभी मेरे को याद आया है, कुछ कर नहीं रहे थे तो सोचे कि नेल पेंट भी लगा लेंगे थोड़ी देर में। अभी जा रहे हैं, थोड़ा हेयर अच्छे से और थोड़ा सा कर लेंगे बस, उसके बाद सुंदर दिखेंगे। गाइस शाम का 6:15 हो रहा है और जा रहे थे रेडी होने, तो इसमें भी दिखाई देते हैं कौन सा साड़ी पहनने का सोचे हैं और कहाँ पार्टी में जा रहे हैं, वो तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये नेल पेंट लगा लिए, कैसा लग रहा है बताइएगा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बहुत बहुत, और बहुत महंगा है, इतना महंगा हम खुद से नहीं खरीद सकते। ये जो दिखाए थे ना आपको जब पापा आए थे तो सिवानी भिजवाई थी, वो नेल पेंट, वही नेल पेंट है, 90 रुपया का नेल पेंट। आप लोग सोच रहे हो कि हम दाम क्यों बता रहे हैं, मतलब हम ऐसा अपना एक्सप्रेस किए आप लोगों के साथ, मतलब इतना महंगा नेल पेंट लगता है कि बाप रे, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये लास्ट हम 60 तक खरीदे हैं, 60 रुपया तक, बस इससे ज़्यादा का नहीं खरीदे हैं। तो फिलहाल हम रेडी होने जा रहे थे तो सोचे आप लोगों को दिखाते हैं कपड़ा। पहले तो सोचे कि नहीं दिखाएंगे क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो जो आता है ना मेरे रील्स पे इंस्टाग्राम पे, तो वो वाला भी सोचे हैं बनाएंगे कि पार्टी के लिए कैसे रेडी होके जा रहे हैं। तो फिर सोचे चलिए इसमें भी दिखाई देते हैं आपको साड़ी, तो हम उस रूम में रखे हैं तो ले के आते हैं। सो गाइज ये रहा वो साड़ी जो पहनने का हम सोचे हुए हैं, हम अच्छे से आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं निकाल के इसको। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है, और ये रहा इसका ब्लाउज़, और ये अभी तक पहने नहीं है, एकदम न्यू साड़ी है। सोच रहे थे कौन सा पहने कौन सा पहने, समझ में नहीं आ रहा था, फिर इस पर नज़र गया, काफ़ी टाइम से इसका ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ सिलवा के रखे हुए हैं, मतलब शादी के टाइम से ही 2 साल से रखे हुए हैं लेकिन पहने नहीं थे। तो चलिए आज पहनते हैं इसको और फिर बताइएगा कि लुक कैसा लग रहा है। तो जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए गाइस, स्क्रीन पे नेम आ रहा होगा, जाइए फॉलो करिए, उसके बाद देखिए गेट रेडी विथ मी फॉर पार्टी आएगा, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। गाइस हो गया तैयार, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से कर लिए क्योंकि सिर पर रखना है पल्लू, अच्छा लगता है सीट पर रखना है मेरे को बहुत ज़्यादा, लेकिन हम हमेशा ऐसे लेते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, इसलिए इस तरीके से लगा लिए। तो यहाँ पे हम अपनी मम्मी से बात कर रहे थे और हमेशा रेडी होके हम मम्मी को ज़रूर दिखाते हैं, कोई भी कमी होता है ना तो वो बता देती है। मम्मी का पसंद बहुत अच्छा है, बहुत लोग बोलते हैं साड़ी कपड़े हर चीज़ में, तो हम मम्मी को एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेते हैं कि सब अच्छा लग रहा है ना, जो भी अच्छा नहीं लगता वो बोल देती है कि हाँ ये ऐसा है, फिर यहाँ पर बात किए और अच्छा लगता है बात करके मम्मी से, अब खुश हो जाती है। इस तरीके से अगर फ्लाइंग किस देना तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, तो वहीं हम लोग इस तरीके से हंस रहे थे क्योंकि वो पूरा शर्मा गई थी, और उधर शिवानी भी थी कॉल पे तो वो भी हंस ही रही थी देख के कि मम्मी पूरा शर्मा गई है।
तो यहाँ पे रेडी होने के बाद यहाँ सासू माँ को भी मतलब बुलाएं कि रेडी कर देंगे। और यहाँ पे गेट रेडी विथ मी में ना ये लगाना भूल गए थे, बाद में मेरे को हाइलाइटर का याद आया कि हाइलाइटर नहीं लगाए हैं, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ माँ को भी हम तैयार कर दिए थे, लिपस्टिक नहीं लगा रही थी लेकिन हम बोले नहीं लगा देते हैं, और भी कुछ कुछ लगाना था लेकिन माँ बोल रही है नहीं नहीं हम नहीं लगाएंगे तो छोड़ दिए। और यहाँ माँ बोल रही थी गले में कुछ पहन लो, बड़ा वाला मंगलसूत्र पहन लो, वो ये सब बोल रही थी, लेकिन हम बोले नहीं मतलब ओवर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लगने लगता है, तो हम बोले नहीं माँ रहने दीजिए, तो वहीं पे ये बोल रही थी। फिर हम यहाँ भी बोले कि थोड़ा सा लगा लीजिए, बोल रहे नहीं नहीं हम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ठीक है कोई क्या बोलेगा, तो हम बोले ठीक है। और हमेशा पता है क्या होता है कि हम फेस में फाउंडेशन भी यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल क्रीम आज लगाए थे, वाइट टोन क्रीम ही, और फेस पाउडर जो आप लोग देखें, फिर भी इतना वाइट हो जाता है चेहरा ना कि देखने से लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिए हैं, लेकिन सच में हम उतना ज़्यादा फेस में जो है ना चेहरे में अपने कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों वाइट वाइट सा अजीब सा हो जाता है। और नॉर्मल क्रीम ही लगाने पे इसलिए हम फाउंडेशन यूज़ नहीं करते, यही वजह है कि अगर वो लगाएंगे ना तो और ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे सिंदूर लगाएं और फाइनली रेडी हो गए और हम लोग निकल गए रेडी होके। और यहाँ पे देखिए हमारे सासू माँ कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। हम बोले सासू माँ से यही साड़ी पहन लीजिए, मेरे को उनका ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर हम लोग निकल गए, रात हो चुका था क्योंकि आजकल ना सब लोग लेट आ रहे हैं ऑफिस से, हमेशा से लेट आ रहे हैं, पहले तो 5:30 में आ जाते थे लोग लेकिन अब थोड़ा लेट आने लगे हैं, इसलिए हम लोग को निकलने में भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था। और हम लोग निकल गए और फिर पहुंच गए हम लोग जी टाउन, और यहाँ पे होटल में पहुंच गए हम लोग, यहाँ पे उतर गए। और पता नहीं क्यों मतलब एक अजीब सा शर्म आता है, सब लोग आज हम लोग फिर से पूरा परिवार एक साथ थे, ससुराल का जितना भी मेरा परिवार है सब लोग हम लोग एक साथ थे। यहाँ पे फिर भैया का केक कटने वाला था, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग हैं। और आज आपको बहुत दिनों बाद तीनों भाई एक साथ बैठे मिलेंगे यहाँ पे, ये दोनों भाई हैं और एक भाई उधर खड़े हैं बाद में बैठेंगे, उनको भी देखिएगा, यही तीनों भाई हैं मेरे, एक मेरे पतिदेव और वो दोनों मेरे जेठ जी हैं, और ये हैं मेरे प्यारे से भगीना जी, मेरी जो एक ननद हैं उनका बेटा है ये। और सब लोग देखिए ये तीनों भाई एक साथ बैठे हैं, जो बहुत कम इस तरीके से देखने मिलता है, तो आज बहुत ही प्यारा सा मेमोरीज कैप्चर हुआ है मेरे कैमरे में और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भैया का बर्थडे विश ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, कमेंट में आप लोग हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पर हुआ केक कट, हेलो 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 हाँ जी कौन हेलो हेलो हाँ जी आ रही है जी 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 मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, सो गाइज फिर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे ना हम हेलो हेलो बोल रहे थे, तो क्या हुआ ना यहीं पे कोलेब्रेशन का कॉल आने लगा था, तो इसलिए फिर बार बार कॉल आने लगा था, तो हम बोले बाद में बात करेंगे। और यहाँ भैया केक कट किए हैं, सबको खिलाएं, और बहुत अच्छा लगता है जब हम पूरे परिवार एक साथ यहाँ कहीं भी जुटते हैं किसी भी फैमिली फंक्शन में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग आज सारे फैमिली लोग थे, मेरी ननद जी भी आई हुई थी, मतलब सब लोग थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी तीनों सासू माँ थी, मेरी दादी सासू माँ थी, सब लोग थे, तो बहुत खुशी मिल रहा था देख के भी। आप लोग भी आई होप इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किए हम ब्लॉग में, बस इतना ही शूट किए केक कट का, उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, काफ़ी लेट हो गया था, रात 9:30 बज गया था, तो हम लोग निकल गए घर जाने के लिए। और मेरे को ना अगर खिड़की बंद हो गाड़ी में बैठने पे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, एसी का हवा, लेकिन अगर खिड़की खुला हो ना तो गजब का मेरे को मज़ा आता है सफ़र करने में भी। इस पार्टी से आ चुके हैं घर,
इतना पसीना हो रहा है, देख सकते हैं पसीना से एकदम भीग चुके हैं। और अब जा रहे हैं साड़ी वगैरह चेंज करने, एक दो वीडियो बनाना था वो बना लिए हैं। आए हुए हमको 10 मिनट हो गया घर पे, उसके बाद ये स्टार्ट किए। बाकी बर्थडे में ज़्यादा सूट नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत ही सूट किए हैं, क्योंकि हम लोग ना अलग अलग टेबल पे बैठे हुए थे। बच्चे एक टेबल पे थे, बड़े लोग सब लोग एक एक टेबल पे थे। बच्चे मीन्स हम बच्चे ऐसा बोलें जैसे हम सब भैया लोग, मतलब मेरे पतिदेव के भाई भाभी मेरी जेठानी जी, हम लोग सब लोग एक पे बैठे हुए थे एक टेबल पे, ऐसे कर करके मतलब सब लोग बैठे थे। तो सबका तो सूट नहीं कर पाए। हम लोग आज बहुत इंजॉय किए, बात किए बहुत सारा, और वीडियो कम बनाए हम लोग, अच्छा लगा मेरे को। और भैया का, मेरे जेठ जी का बर्थडे था, तो हम नाम ले लेते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जेठ जी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि ना ले नाम। धीरे धीरे हम सब कुछ सीख ही रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जानबूझ के ले लेते हैं, बस सीख रहे हैं, कभी कभी मुँह से निकल जाता है। तो वही भैया का जन्मदिन था, तो आप लोग उनको ढेर सारा विश कीजिएगा, कमेंट में उनको बर्थडे विश ज़रूर करिएगा, ताकि वो कमेंट पढ़े तो उनको अच्छा लगे। तो चलिए अब मिलते हैं सुबह में, क्योंकि काफ़ी रात हो गया है, टाइम 10:30 हो रहा है। तो जा रहे हैं जल्दी जल्दी चेंज करने कपड़ा। और साड़ी कैसा लग रहा था बताइए गाइस, अच्छे से तो आपको नहीं दिखा पाए होंगे ना, एक सेकेंड, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ सूट किए ही नहीं है अपना। तो चलिए बैक कैमरे से अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं मिरर। बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा गाइस, क्योंकि फैल चुका है सब कुछ, क्योंकि हम अपना जो है ना पूरा अलमीरा वगैरह वो पूरा सही कर रहे थे, उसका वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं किए हैं, बट अभी सही कर रहे हैं। अभी इतना जो है ना सब रख चुके हैं, बाकी वो सब को भी अलग करके और रखना है, तो इतना अधूरा रह गया था। और ये तो अभी हम चेंज करके पहनने वाले हैं, वो है तो इसलिए बता दिए, इसलिए बैकग्राउंड इस तरीके से फैला हुआ है। कल संडे है तो सब कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ। तो ये रहा साड़ी, कैसा लग रहा है बताइएगा, देख सकते हैं इस तरीके का ये साड़ी है, और ये चूड़ी। तो यही लुक था मेरा आज का, और कैसा लग रहा था बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं सुबह में। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह उठ चुके हैं, और हम सोचे थे ना कि आज थोड़ा लेट तक सोएंगे, ठीक है, आज संडे का दिन है, और सोचे थे थोड़ा लेट उठेंगे हम, लेकिन लेट है, 6:00 बज रहा है, 6:05 हो रहा है, बट सोचे थे 6:30 में उठेंगे, लेकिन नींद लग ही नहीं रहा है। हम 10 मिनट से जग के बेड पे हैं, सोचे कि थोड़ा सा सो लेते हैं, और संडे है थोड़ा सा सो लेते हैं, लेकिन नींद नहीं लग रहा है, खुल ही गया है नींद। तो सोचे चलो उठ ही जाते हैं, जा रहे हैं अगर अभी ब्रश वगैरह करेंगे, एक दो कपड़ा है वो धो लेंगे, जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं वो। बाकी जो रूम है ना, बरसात के दिन में देखिए क्या हाल हो जाता है, सब ऐसे ही डाला हुआ है कपड़ा, इतना बारिश हो रहा था ना कि पूरा ऐसे ही डाला हुआ है कपड़ा सूखने के लिए रूम में। और जो अपना अलमीरा सब ठीक कर रहे थे, जैसे कि कल बताएं आप लोगों को, तो रुकिए दिखाते हैं कि कैसे पूरा ठीक किए हैं अलमीरा। अभी तो इतना कपड़ा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, और उनको बैक कैमरे से दिखाते हैं अच्छे से। सो गाइस, ये वाला जो मेरा है इसमें का पूरा निकाल दिए हैं, यहाँ जो रखे थे ये भी सबको क्या सोचे हैं ना कि ये सबको अच्छे से हैंगर में करके और यहाँ पे कर देंगे। इसमें हम अच्छे से पूरा सरिया चुके हैं, जितना मेरा बनारसी साड़ी था एक पास कर दिए हैं, और जो भी चुन्नी वगैरह है सब एक पास इस तरीके से रख दिए हैं, और जो भी हेवी साड़ी है, साड़ी सिर्फ इसमें रहेगा, मेरा सूट जो रहेगा वो उस वाले में रहेगा जो मेरा एक और रूम है, और साड़ी सोचे हैं सारा वहाँ टांग दें हैंगर में, तो बहुत मेरा जगह बच जाएगा। सो गाइस, चलिए अब ब्रश वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद हम कपड़ा धोएंगे, क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करते ना सो पे उठ के, सबसे पहले हम ब्रश ही करते हैं, क्योंकि अजीब सा लगता है, बोला ही नहीं जा रहा है वैसा हो जाता है, इसलिए चलिए पहले हम ब्रश कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं आपको ब्लॉग में, आज क्या बनाते हैं खाना, क्योंकि आज संडे का दिन है, तो वो सब आपको दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। सो गाइस, नहा के आ चुके थे यहाँ रूम में, और यहाँ पे आज बहुत दिन बाद ये वाला सूट पहन लिए हैं, और थोड़ा सा गले के पास टाइट टाइट सा लग रहा था, अनकम्फर्टेबल था, बट फिर भी पहन लिए, क्योंकि सोचे आज यहीं पहन लेते हैं, बहुत दिन बाद निकाले हुए थे सब कुछ कपड़ा अपना, निकाले थे ना सरियाने के लिए, तो दिख गया, तो सोचे आज यहीं पहन लेते हैं। लेकिन अब सोचे हैं कि हाफ़ थोड़ा सा बाजू, मतलब क्वार्टर बाजू दो चार रखेंगे, क्योंकि ये क्या है ना कि बर्तन वगैरह धोने में पूरा भीग जाता है,
या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह धोने में भी पूरा भीग जाता है, तो इसलिए वैसा कुछ कुर्ती अब बनवाएंगे और ये सब देखते हैं कि ये सब कुर्ती का क्या करना है। बाकी यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से रेडी हो रहे थे और आज जो न्यू मॉइस्चराइज़र मंगाए हैं वो लगाए हैं, देख रहे थे कि कैसा है। सब कुछ न्यू निकालना था क्योंकि सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका था, पाउडर वगैरह भी। तो यहाँ पे वाइट टोन जो पाउडर है वो भी हम न्यू निकाले, हम यहीं रेगुलर यूज करते हैं वाइट टोन क्रीम, वाइट टोन पाउडर। मेरे में जल्दी कुछ भी सेट ही नहीं करता मेरे स्किन में, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, तो जल्दी कुछ सूट नहीं करता है। तो जो भी यहीं सब लगाते हैं, एक दो प्रोडक्ट हम रेगुलर यहीं सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर गए किचन में और सोचे क्या खाना बनाया, संडे का दिन था, तो यहाँ पे जो आलू है वो उबलने के लिए रख रहे थे और इसी में ज़्यादा आलू रख दिए थे कि चोखा के लिए भी हो जाएगा दोपहर के लिए और आलू दम आज बना देते हैं। और सावन में हमारे घर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो लहसुन प्याज बन नहीं रहा है हमारे घर, बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, तो थोड़ा सा टेस्ट तो अलग हो ही जाता है। मेरे को नहीं समझ में आता है, हम खा लेते हैं, मतलब कैसा भी बने हम खा लेते हैं, बिना लहसुन प्याज का भी मेरे को पसंद आता है। फिर यहाँ पे पापा जी के लिए बना रहे थे चाय और वो लाल चाय पीते हैं, वो दूध वाला चाय नहीं पीते हैं, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पे बना रहे थे। साथ में मसाला फ्राई कर रहे थे, सब्जी का मसाला, टमाटर बस डाले थे और मसाला। गुड मॉर्निंग, और अभी हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता में आलू दम और पूरी बनाएंगे और जिसको रोटी खाना होगा रोटी बनाएंगे, पतिदेव को हो सके तो पूरी ही खाएंगे, बट पूछेंगे क्योंकि उनको अच्छा लगता है आलू दम के साथ। फिलहाल यहाँ दाल भी बैठा दिए हैं और चोखा भी बना दिए हैं जब आलू उबाल रहे थे, तो ताकि दोपहर का जो खाना है उसमें लेट ना हो, क्योंकि मेरे को वीडियो भी एडिट करके डालना है, इसलिए चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू। फिर नाश्ता बनाने के बाद आ गए रूम में और यहाँ पे हम सोचे कि साड़ी है वो फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि न्यू साड़ी है और फिर ख़राब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है चपोतने में भी, और मतलब थोड़ा मुड़ा हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बस एक घंटा पहने ही थे, तो इसको हम अच्छे से सोचे फोल्ड करके रखते हैं, बाद में देखेंगे इसको खींचना है, खंगारना है, क्या करना है। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करके और रख दिए। उसके बाद ये बैंगल्स जो था ना वो मिला के पहने हुए थे, दो तीन बैंगल्स, तो उसको अलग करना था, जो ग्रीन था उसको अलग, रेड अलग और जो गोल्डन था वो अलग, तो सब कुछ करके एक जगह रख रहे थे, क्योंकि फैलता है तो बोले ना मेरे घर फैलता ही जाता है, देख सकते हैं बेड फैल गया है, सब कुछ आज ठीक करना है क्योंकि दो दिन से एकदम से ठीक नहीं किए हैं, तो आज कैसे भी करना है। तो यहाँ पे जो जितने भी बैंगल्स ये रेड वाले थे उनको एक जगह करके और अच्छे से पैक करके रख दे रहे थे, ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए, थोड़ा भी टाइम मिल रहा था ना, तो ये सारा कुछ करके और काम ख़त्म कर रहे थे। हम काम का वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जा रहे हैं ये सब साफ करने, देख सकते हैं। और ये फैला इसलिए है क्योंकि आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे हम साड़ी अलग कर रहे थे और सूट अलग कर रहे थे, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ढूंढने में सूट और साड़ी, तो इसलिए इस वाले अलमीरा में पूरा सूट रख दिए हैं और वो वाले अलमीरा में पूरा साड़ी रख दिए हैं, और जो मेरा ट्रंक है उसमें लहंगा वगैरह ये सब, और एक्स्ट्रा जो साड़ी एकदम से न्यू वो रख दिए हैं ट्रंक में। बाकी ये जा रहे हैं साफ़ सफाई करने पूरा, तो सोचे कि ब्लॉग को एंड कर देते हैं, वरना काम देखते देखते आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।